15 और 16 नवंबर की मध्य रात्रि जिला ऊना के पंडोगा में एटीएम लूट मामले की गुत्थी को पुलिस ने महज 7 दिनों में सुलझा लिया है। एटीएम लूट के आरोपियों में से पुलिस ने 2 लोगों को पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपी आलू की ढुलाई के काम के चलते हिमाचल में पहले भी आते जाते रहे हैं, जबकि पंजाब और अन्य राज्य में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अच्छा खासा बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इन आरोपियों पर पंजाब में ही एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी के कई मामले दर्ज हैं। बहरहाल पंडोगा में हुई लूट मामले की गुत्थी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इसके साथ साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रैकर के आधार पर इन आरोपियों की शिनाख्त की। आरोपियों के कब्जे से एटीएम मशीन को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए सभी उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। लोग वहां पे एंटर करते हैं एटीएम में रात के समय, समय लगभग 12:30 बजे का था, और जो सीसीटीवी है उसके ऊपर स्प्रे करके, काला पेंट करके जो है वो इस वारदात को अंजाम देते हैं। हमको सीसीटीवी के एनालिसिस से ये भी पता चला कि एक कटर से, ये गैस कटर से जो है इस काम को किया गया है। उसके बाद हमारी पूरी पुलिस टीम, एसडीपीओ हरोली मेरे साथ हैं और कुछ टीम मेंबर्स जो हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, उन लोगों को हमने एक्टिवेट किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम जुड़े। उस हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में जाके जो है रेड्स की, और 2 एक्यूज जो है हमने पकड़े हैं। एक का नाम इसमें 29 वर्षीय अरशद है, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान का रहने वाला है, और एक साबिर जिसकी उम्र 23 साल है और ये पलवल हरियाणा का रहने वाला है। इन 2 लोगों को इस गोविंदगढ़ पंजाब से जो है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से अरेस्ट किया गया पुलिस टीम द्वारा। अगर आपको ये मोडस ऑपरेंडी इनका बताएं तो जैसे आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके जो गैजेट्स जिस तरह के ये यूज़ करते हैं इस सब काम के लिए, ये एक स्प्रे पेंट है जिसका ये यूज करके कवर करते हैं सीसीटीवी कैमरा को उसके ऊपर स्प्रे करके। उसके अलावा ये जो आपके सामने पड़ा है, ये काफ़ी हैवी इक्विपमेंट जो आपके सामने पड़ा है, ये एक स्प्रे कैन है, सॉरी अपना गैस कटर है। इस गैस कटर को यूज़ करके इन्होंने एक गाड़ी में यहाँ पे आए और प्रेशर रेगुलेट करने के लिए जो गैस कटर आपके सामने है इसको यूज़ करके इन्होंने जो है एटीएम को काटा, और एक ट्रक जो हमने रिकवर किया है उसकी मदद से ये लोग वहाँ से एस्केप किए। हमने ये पता किया है कि ये जो ट्रक ये यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पे अक्सर आते हैं। आलू की ढुलाई आजकल जो है ऊना एरिया में हो रही है, तो आलू की ढुलाई करने के लिए ये 6 तारीख को आए, 8 तारीख को आए, 9 तारीख को आए, इस तरह के कई ट्रक्स वैसे रेगुलर यहाँ पे विजिट करते हैं। इनका ट्रक भी यहाँ पे रेगुलरली आया। वहाँ से बैक ट्रैक हम करने लगे तो इन लोगों पे हमारी टीम ने इनको अरेस्ट किया है। बाकी जो को एक्यूज हैं इसमें उनके ऊपर भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इनका लोकल कनेक्शन कोई है अगर तो उसके ऊपर, और बाकी जो इनकी रिकवरी है वो करने के लिए जो है हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमको जैसे ये गैस कटर, स्प्रे कैन, मंकी कैप्स, ट्रक जिसमें ये एक्टिविटी हुई जिसमें ये एस्केप किए, और जो कैसेट्स इन्होंने यूज़ की हैं एटीएम के अंदर जहाँ पे जिसमें कैश रखा जाता है वो भी हमने रिकवर कर ली हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें कंटिन्यू है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो हम और इसके अलग भी कर रहे हैं, क्योंकि एटीएम्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बैंक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और पीएनबी बैंक के एटीएम्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। उनकी एनालिसिस पे हमको कुछ हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं जिसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आई हैं, और एक आर्टिकल ऑफ चार्जेस बना के जो है हम बैंक के साथ भी फर्दर कार्रवाई के लिए इसको शेयर करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जब ये वारदात शाम रात के 12:30 बजे हुई तो हमको इन्फॉर्मेशन, पुलिस टीम को इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट आई। पुलिस टीम को इसकी इन्फॉर्मेशन 12:30 बजे की वारदात की इन्फॉर्मेशन लगभग 2 बजे मिली, जो कि एक बहुत, उसकी वजह से हमारा डिले काफ़ी ज़्यादा हुआ और चोरों को पकड़ पाने में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब किसी भी बैंक का कोई भी अलार्म रिंग नहीं किया या किसी ने देखा नहीं। हमको 2 घंटे के बाद इन्फॉर्मेशन मिली जब ये एक्यूज जो है नंगल से आगे पहुँच चुके थे, तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स रहा उस टाइम पर। इसके अलावा जब हमने उसको चेक किया तो सीसीटीवी वहाँ पे एक लगा हुआ था बाहर एटीएम के भी, वो 3 महीने से
बंद पड़ा हुआ था, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का वो है। हमने ऑडिट भी किया, अभी कर रहे हैं बाकी एटीएम्स का हमारे इलाके में, ताकि सभी जगह चेक कर सके कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हों। तो 3 महीने से ये सीसीटीवी कैमरा बंद होना भी एक बहुत बड़ा लैप्स था। इसके अलावा 3 लॉक्स लगने का सिस्टम एक एटीएम में होता है, जिसमें एक सेंट्रल लॉक होता है और 2 अदर अन्य लॉक भी होते हैं, पर ये जो एटीएम था इसमें केवल 1 लॉक लगा हुआ था, जबकि 3 होने चाहिए थे, जो कि एक अलग लैप्स है। एक अलार्म सिस्टम एटीएम के अंदर भी होता है, जो कि काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है, ना उसकी तारें निकली हुई थी, वो भी नहीं चल रहा था। और इसके अलावा वहाँ पे जो एक रेगुलर एटीएम गार्ड या कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो उसकी रखवाली कर, बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसकी चर्चा हम ना केवल स्पेसिफिक बैंक से बल्कि अन्य बैंक से भी करेंगे, और उनको डायरेक्शंस हमने रेगुलर समय पे दी हैं। ना केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बल्कि आरबीआई के द्वारा भी ये डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि सिक्योरिटी ऑफ एटीएम कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से फोकस किया जाना चाहिए। तो ये चर्चा हम बैंक्स के साथ करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह की एक्टिविटी फ्यूचर में ना हो, उसके लिए एटीएम्स की सुरक्षा जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। ये हमारे अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने कहा कंटिन्यूड है। इनको माननीय कोर्ट में जो है पेश किया गया है, और रिमांड के लिए जो है इन अक्यूज्ड को सात दिन का एक रिमांड जो है इनको मिला है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी कंटिन्यूड है, इनका कोई आगे कनेक्शन, इनका कोई लोकल कनेक्शन, इन सब चीज़ों पे गहनता से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और रिकवरी भी हम जल्द से जल्द करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।